कल से जो भयंकर बरसात शुरू हुई और उसके कारण से माँ नर्मदा का पानी किनारों से लगे हुए सारे गांव में घुसा है। मैं कल शाम से, मुझे जब से जानकारी लगी है, कल दोपहर से मैं पूरे गांव-गांव में जाकर के मैंने जाकर के लोगों के बीच में जाकर के उनकी तकलीफों को देखा है। वास्तव में बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे परिवार बहुत ही तकलीफ में है और इस दुख की घड़ी में मैं और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार उन सभी नागरिकों के साथ खड़ी है। मैं पूरे प्रशासन से, मेरी कल भी बात हुई SDM, तहसीलदार, कलेक्टर साहब, सबसे मेरी बात हुई है और मैंने उनको सबको ये निर्देशित किया है कि भाई हर गांव में पूरे प्रशासन की टीम, रेस्क्यू टीम को भेज करके जो है लोगों को अधिक से अधिक उनको जो है मुआवजा दिलवाने के लिए प्रयास करें और वर्तमान में उनको भोजन पानी और राहत राशि तत्काल उनके तक पहुँचे, इसके लिए निर्देशित किया है और निश्चित रूप से पूरा प्रशासन लगा भी है। और मैं फिर से प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई किसी भी तरह की लोगों को जो राहत राशि पहुंचाने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरते, अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचे इसकी चिंता करें। मैंने जो इस पूरे क्षेत्र में गांव-गांव जाकर के जो देखा है कि गांव में लोगों के मकान भी कहीं पर धराशायी हो गए, लोगों के घरों में भी पानी घुसा है और कई किसानों के खेतों में भी कपास की फसल और अन्य फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। मैं निश्चित रूप से ये जो प्राकृतिक आपदा आई है, इस पूरे विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करके लोगों को अधिक से अधिक राहत राशि मिले, इसके लिए पूरा पुरजोर प्रयास करूंगा और पूरी ताकत के साथ लग करके इस ककराव विधानसभा क्षेत्र के एक एक नागरिक को उसका हक दिलवाने के लिए प्राण प्राण से जुटूंगा। मैं आज के इसी विपदा की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और सभी सक्षम नागरिक बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस के गाँव के या हमारे गली के रहने वाले किसी भाई के साथ अगर कोई तकलीफ है, उसके घर अगर कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम भी उनकी मदद में कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करें और उनके साथ खड़ा रहें।